देख रहे हैं बहन के मस्जिद के अंदर ना जूते पहन के क्यों जा रहा है। सब पे आऊंगा बारी बारी कि जब पैसा आ जाता है ना तो नजाकत आ जाती। भाई ये पैसा कोई तुक्के से नहीं आया, ऐसे नहीं हुआ कि किसी मालदार लड़की के उससे मेरी शादी हो गई उसके बाप ने मुझे दहेज दे दिया हो, है ना। मैंने खुद के दम पे किया है, मेहनत की है। कैसे हो दोस्तों मुझे बदनाम करने की ना पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। यानी जो बंदा आपके बीच में से उठकर आया है और अगर एक दिन वो अपने पर पैसे खर्च कर लेता है तो ये ट्रोलर है ना पूरी तरीके से बदनाम करते हैं। और आज मैं इनको ना पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाला हूं। यानी पता क्या कमेंट में लिख रहे हैं बहन के मस्जिद के अंदर ना जूते पहन के क्यों जा रहा है। और ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के हजारों सवाल आ रहे हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कितने बड़े ये इंसान है, कैसे कैसे इंसान है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। आपको पता होगा परसों मेरे दोस्त की शादी थी और मेरी दोस्त की शादी उस जगह पे थी जो मेरा गांव हुआ करता था। और जिंदगी में पहली बार यानी आफ्टर 7 साल बाद में उस गांव में गया। बट गलती मुझसे क्या हो गई, गलती ये हो गई इनकी नजर में कि भाई मैं वहां पर जो है अपने साथ बॉडीगार्ड ले गया। भाई बॉडीगार्ड वहां नहीं ले गया, अभी मैं कोई टूर करता हूं इंडिया के अंदर तो एग्जैक्टली एक बॉडीगार्ड में रखता ही नहीं, लेकिन वहां पर मैं 3 क्यों ले गया। और मैं 3 ले गया तो इनकी ना मतलब इनके सीने पर ना सांप लौट गया। जेलेसी में ना ऐसे ऐसे कमेंट करने लगे, भाई तू कौन होता है और तू अपने आप को हीरो समझ रहा, तेरे तकब्बुर आ गया। और यहां तक जो मेरे फेवर वाले लोग थे वो भी मेरे अंदर कभी निकालने लगे। मैं सब पे आऊंगा बारी बारी, लेकिन मैं तुम्हें एक कल की बात बताना चाहता हूं कि आखिरकार मैं सिक्योरिटी गार्ड क्यों लेके गया, दोगले लोगों की कैसे पोल खोलने वाला हूं। आपको पता होगा पृथ्वी शाह कितना बड़ा क्रिकेटर है, बड़ा क्रिकेटर है, इंडिया के लिए खेल चुका है, आईपीएल भी खेल चुका है। आपको पता है कल क्या हुआ उसके साथ, उसके साथ मारपीट हुई, उसके साथ बदतमीजी हुई, सिर्फ क्यों, क्योंकि उसके पास बाउंसर नहीं थे। मैं चाहता हूं कि एक होटल में वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे, लेडीज एक लेडी यूट्यूबर और कुछ लोग जो जिन्होंने पी रखी थी वो उस होटल के अंदर जाते हैं और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। अब पृथ्वी शाह ने और उन लोगों ने फोटो देने की कोशिश की, लेकिन अब ये ज्यादा फोटो मांग रहे थे तो वह क्या हुआ, होटल के अंदर जो स्टाफ था उन्होंने इनको बाहर भगा दिया। क्या ये अपने ईगो पे ले गए। के बाद पृथ्वी शाह खाना खाकर बाहर आया और उसके बाद जैसे वो बाहर आए और वो तो इंतजार कर रहे थे ये लोग, तो इन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, मारपीट करने की कोशिश की और उसमें फिर विक्टिम कार्ड खेला लड़की का। सोचिए एक लड़की जो खुद यूट्यूबर थी वो पृथ्वी शाह के पास जाती है और उसकी सेल्फी लेती है और उसके बाद बाहर जाके बदतमीजी करती है। रीजन क्या था कि उनकी सिक्योरिटी नहीं थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सिक्योरिटी होती तो क्या हमें बदतमीजी होती, नहीं होती। इस बात को पृथ्वी शाह खुद मान रहे हैं कि उनके पास बॉडीगार्ड नहीं थे उस दिन। यही होता है दोस्तों, इंसान पब्लिक में काम करता है ना उसकी मजबूरी बन जाती है अपनी सेफ्टी को रखना। कुछ लोगों ने कहा यार आप तो अपने गांव गए थे, आपको अपने गांव में किससे खतरा, कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन आपको समझना चाहिए मैं पब्लिक फिगर हूं, मुझे 8 लाख लोग प्यार करते हैं। अगर कहीं 100 लोग मुझे प्यार करते हैं तो वहां 2 हेटर भी होते हैं। हम आपको सारी चीजें नहीं दिखाते हैं, समझ रहे हो, और इसीलिए हमें वो चीजें रखनी पड़ती हैं, मजबूरी होती है। क्यों, क्योंकि देखो आम इंसान है उससे हमें कोई खतरा नहीं होता, लेकिन उसी के बीच में कुछ क्रिएटर होते हैं और उनका मकसद क्या होता है, जान मुझे कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, जिस तरह उस लड़की ने पृथ्वी शाह के साथ कंट्रोवर्सी की और वो सफल हो गई। क्यों, न्यूज में चाहे वो भले से अरेस्ट हो गई लेकिन न्यूज में तो यही आ रहा ना कि उसने उस पर अटैक किया, यही इंटेंशन होती है। आप लोगों से कोई शिकायत नहीं क्योंकि आप लोग क्रिएटर नहीं हो, लेकिन जो क्रिएटर होते हैं उनका मकसद ही होता है एक दूसरे क्रिएटर के साथ नाम जोड़ना। और वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, मान लीजिए मैं अकेले जाता, इतना बड़ा गाँव है, एक इंसान भी आकर मुझसे बदतमीजी करेगा। मैंने किसी को नहीं बुलाया था, कोई बॉडीगार्ड नहीं था मेरे साथ, मैं उसमें का बंदा हूँ। लेकिन एक दिन मैं वीडियो शूट कर रहा था, एक बंदा आता है, वो कहता भाई सेल्फी चाहिए। मैंने कहा यार हम थोड़ी वीडियो शूट कर लें उसके बाद ले लेना। बोले भाई, फिर बोला सेल्फी चाहिए। मैंने भाई थोड़ी देर बाद ले लेना। तो पता क्या कहता वो, तो सेल्फी देगा नहीं देगा, अभी तेरा 3 तावड़ा खत्म करूं। वहां हम सहम गए, हम क्या कर पाए। इसलिए मजबूरी बन जाती है, अपनी फिक्र में हो जाते हो ना तो आपकी जिंदगी बोर ही रहती। ये मैंने आपको जवाब दिया कि मैं क्यों बॉडीगार्ड लेके गया था। दोस्तों इनकी कैसे पोल खोलने वाला हूं मैं आपको बताने वाला हूं। पता होगा कल मैंने मस्जिद की वीडियो डाली थी, उस मस्जिद की वीडियो में मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि यहां ये बहुत पुरानी मस्जिद है। और अगर आप मेरा इस ब्लॉग को देखोगे तो इस ब्लॉग में आप देखोगे मैं जूते उतार कर मस्जिद के अंदर गया। आप इतना खुद कॉमन सेंस लगाओ, आपको लगता है कि मैं मस्जिद में जूते पहन के जाऊंगा, नहीं लगता ना। यानी जूते उतार के मैं मस्जिद के अंदर गया। हुआ क्या, सोशल मीडिया पर मैंने क्लिप डाली और यहाँ कमेंट पड़ी है, यह एक लड़की कमेंट, लड़की है ये लड़का मैं तो नहीं जानता नहीं हूँ क्या। एक तो लड़का कहता है
जूते तो खोल दो बाहर, अरबाज भाई मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं है। मतलब ये लोग वीडियो देखते नहीं है और कमेंट करते हैं, और ये कमेंट छोटी मोटी कमेंट नहीं है। अब आप कहो यार अरबाज भाई इनको इग्नोर करो, इग्नोर करता हूं मैं, लेकिन सोशल मीडिया पे एक परसेप्शन बन जाता है, अगर हम समय समय पर जवाब नहीं देंगे ना तो आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगी। उसके बाद एक कमेंट और आप पढ़ सकते हो, इस कमेंट में क्या लिखा हुआ है कि एक लड़की है वो क्या कहती है, बैन ये शब्द बोलती है, जूते तो उतार देता मस्जिद से बाहर। सोचो अब ये फेक आईडी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस तरह की कमेंट आ रही है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी आप ये वीडियो देख लो, इसमें हम जूते उतार रहे हैं। और अक्सर मैं देखता हूँ लोग ना कमेंट करते हैं कि आप खाना खाते तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। यार बड़ी मुसीबत है, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो हम आपको पढ़ के बताएंगे, हालांकि हम बोलते हैं, यही चीज होती है। एक बंदा कहता है यार मस्जिद के अंदर गए दो रकात नमाज ही पढ़ लेते, सवाल तो यही है ना यार, अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो तुम कहोगे यार कैसे इंसान हो, नमाज को भी सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो आप, और नहीं दिखा रहे हैं तो कह रहे हो यार नमाज पढ़ लो। अरे भाई भाई नमाज हुई, दुआ हुआ, बिस्मिल्लाह हुआ, ये इंसान की प्राइवेट चीज होती है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और ये पहली बार नहीं हुआ, उससे पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से ये जो मुझे टारगेट कर रहे थे उस चीज के लिए। और हाँ, जब मैं बॉडीगार्ड लेके गया था तो क्या कर रहे थे कि जब पैसा आ जाता है ना तो नजाकत आ जाती है। भाई ये तुक्के से नहीं आया, ऐसे नहीं हुआ कि किसी मालदार लड़की के से मेरी शादी हो गई उसके बाप ने मुझे दहेज दे दिया हो, ऐसा नहीं है कि मेरे बाप ने मुझे कुछ दे दिया हो। भाई जो कुछ किया है ना मैंने खुद के दम पर किया है, मेहनत की है, जो लोग आप लोग देख रहे हो आपके प्यार ने मुझे बनाया है। एक चीज बताओ, अगर चार साल से मुझे जानते हो हैं, और अगर मैं चार साल में सारे दिन वीडियो अच्छी बना रहा हूं, और अगर आपके हिसाब से ये वीडियो ओवर हो गई तो क्या एक वीडियो झेल नहीं सकते आप मेरी? यार एक चीज बताओ, अगर मैं पैसा कमा रहा हूं तो शौक भी तो मैं पूरा ही करूंगा ना। मतलब आप मुझे उस वीडियो में देखोगे जहां मेरी लाचारी दिखाई दे रही है, और एक वीडियो में जहां मैंने कोई अच्छा कर लिया अपने लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, तो वो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। भाई हजरत अली की पता कॉल क्या है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि पूरा शरीर होता है और उसमें सब, वो कुछ इंसान ऐसे होते हैं मक्खी की तरह, कि मक्खी की आदत क्या है कि पूरे शरीर पे वो आपको उस जगह बैठेगी जहां पर जख्म होगा। ये ट्रोलर ना वही होते हैं, इनकी औकात ना मक्खी की बराबर होती है। आप सुबह से लेकर शाम तक कितना भी अच्छा कर लो, इनके अंदर वही कमी निकालने वाली है। जैसे ये कह रहे हैं कि जूते क्यों नहीं पहने, जूते क्यों नहीं उतारे मस्जिद के अंदर। तीसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपको पता होगा शाहरुख खान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको पता होगा, और वो पता वीडियो कितनी चली थी, तो उसमें आप 90% कमेंट पढ़ोगे, पता कमेंट क्या आई उसमें, कमेंट आई कि अरबाज भाई कैसे इंसान हो, अगर शाहरुख खान के पापा जब 15 साल की उम्र में खत्म हो गए तो शाहरुख खान पैदा कैसे हो गए, जबकि उस बोर्ड पर लिखा हुआ है यानी पैदा कब हुए और डेथ कब हुई। भाई 15 साल की उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बने, मरे नहीं। और भाई इतना तो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि कब पैदा हुए कब मरे वो, लेकिन आप कमेंट देखोगे तो कमेंट में हर आदमी जलील कर रहा है मुझे, हर कमेंट में आंसर गाली कर रहा है। वजह क्या है, क्योंकि नफरत के दौर में ना हम इतने जजेबल हो गए हैं, हम चीजों को पढ़ते नहीं है। लोग इतनी इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं, बोले यार आप कैसे इंसान हो कि आपको इतना ही पता नहीं है, अगर शाहरुख खान के फादर 15 साल की उम्र में खत्म हो जाएंगे तो शाहरुख खान कैसे पैदा होगा। भाई मैंने कहां कहा अपनी वीडियो में कि शाहरुख खान के पापा जो 15 साल की उम्र में खत्म हो गए, मैंने कहा कि जब आजादी का कैंपेन चल रहा था तो उस समय उनकी एज 15 साल थी, मैंने सिर्फ इतना बताया, मैंने ये नहीं कहा कि वो खत्म हो गए। और मेरी वीडियो देख लो और उसमें बोर्ड में लिखा हुआ भी है, सब बात छोड़ो गूगल पर सर्च कर लो ना शाहरुख खान के फादर की डेट ऑफ बर्थ और वो कब खत्म हुए। चीजें क्या है दोस्तों, आप ये कहोगे अरबाज भाई जवाब क्यों दे रहे हो ऐसे लोगों को, लेकिन जवाब देना बनता है, परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। आप मेरी जाओ मेरे इंस्टाग्राम पर जाओ और वहां मेरी रील चेक करो शाहरुख खान वाली, और वहां कमेंट पढ़ो, ज्यादातर कमेंट इस तरह की आ रही है कि यार कैसे इंसान हो, 15 साल की उम्र में अगर शाहरुख खान के पापा खत्म हो जाएंगे तो शाहरुख खान कैसे पैदा हुए, और गाली दे रहे हैं मुझे लोग, और वो सेंस लगाने तैयार नहीं है कि भाई आजादी के कैंपेन में हिस्सा लेना और मरने में कितना अंतर है। दोस्तों ये लास्ट वीडियो है मेरी हेटर के लिए जो मैं इनको रिप्लाई कर रहा हूं, आज के बाद मैं इनको रिप्लाई नहीं दूंगा और ना ही मैं रिप्लाई देना चाहता हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि अगर आप तो समझदार हैं तो आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना। चलो अजान हो रही है, अब मैं वीडियो को एंड करता हूं, अल्लाह हाफिज़।